अगला हम बात करने जा रहे हैं रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है बेटा? वलय। ठीक, बिल्कुल आराम से समझना, इंपॉर्टेंट है। अगेन सबसे पहले हमने ऐसे रिंग ले रखी है, यानी ऐसे घूम रही है और इससे परपेंडिकुलर एक एक्सिस ले रखा है, ऐसे घूम रही है। बोले ठीक, अगर ये चाहिए बेटा रिंग का, तो ये आता है एम आर स्क्वायर। ये द्रव्यमान केंद्र से पास करते हुए एम आर स्क्वायर, समझ गया बात को। कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है कि पूरी रिंग ना दे करके हो सकता है आपसे आधी या थोड़ी रिंग दे दे, ठीक है, आधी या थोड़ी रिंग, इतनी रिंग दे दे और वापस वही काम कर रहा हूं, ठीक है, वापस वही काम कर रहा हूं कि इसके अबाउट ये घूम रहा है ऐसे। इसका मास कितना है? वही एम। त्रिज्या की बात करेंगे, ऑफ कोर्स कितनी होगी? आर, जो इसका था एम कॉमा आर, करेक्ट। तो बेटा ऐसे केस के लिए अगर मुझसे आई पूछा जाए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये भी कितना आएगा? एम आर स्क्वायर, समझ गए, क्योंकि आकृति तो सेम ही है ना बेटा एक तरीके की। तो आप ऐसे समझो कि पूरा वलय हो, अर्ध वलय हो या थोड़ा सा उसका टुकड़ा हो, जितना भी उसका द्रव्यमान है वो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देना? आर स्क्वायर कर देना। तो आपको क्या आ जाएगा? पूरा वलय या उसके टुकड़े का आपको आई निकल के आ जाएगा। बोले ठीक है सर, कौन से एक्सिस के अबाउट बेटा? जो इस वलय का जो समतल है, प्लेन है, करेक्ट, उससे लंबवत है। देखो सतह का ऐसा है ना, प्लेन ऐसा है, इससे लंबवत भी है, परपेंडिकुलर, प्लस इसके किससे पास कर रहा है बेटा? द्रव्यमान केंद्र से पास कर रहा है, समझ गया बात को। बोले यस सर, ठीक है बेटा। अब देखो इसके अगला पार्ट है ना, अगला पार्ट फिर एक साथ कॉपी कर लेना। हमने क्या किया, इस वलय के, वलय की अगर बात करें तो इसके किससे का एक्सिस ले लिया अपन ने बेटा? जो इसके डायमीटर यानी कि व्यास से पास करता है और इसके समतल में लाए करता है। यानी कि वलय अगर इस प्रकार है तो ये एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये इसके द्रव्यमान केंद्र से भी पास करता है, ये इसके व्यास जैसा है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? आई डी बोल देते हैं। डी का मतलब डायमीटर बेटा, ठीक है। तो अगर अपने को आई डी चाहिए होगा तो उसकी बात कर रहे हैं कि कितना आएगा। देखो आईडी निकालने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर आईडी है तो बेटा ये भी अपने पास कितना आएगा? आईडी बेटा, ये और ये तो एक जैसे ही है ना, खाली ओरिएंटेशन बदल दिए, एक जैसे ही है। तो यानी कि आईडी प्लस आईडी मिलकर के क्या होगा बेटा? मिलकर के इसके बराबर आएगा, समझे बात को। मैं समझाता हूं, देखो आराम से समझो। हमने कहा ये वाला है ना, ये वाला भी बेटा आईडी है, ये वाला भी आईडी है, ये वलय था अपना, ठीक है। तो मैंने कहा ये भी अगर आईडी है, ये भी आईडी है, तो ये दो एक्सिस हैं जो किसके अंदर ला रहे हैं? इसके समतल के अंदर ला रहे हैं। तो हमें तीसरे वाले से चाहिए। तो लंबवत अक्ष प्रमेय क्या कहता था बेटा? कि जो लंबवत अक्ष आएगा ये आईडी प्लस आईडी के बराबर आएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते थे कि भाई जो टू आईडी है वो आ जाएगा इसके बराबर, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो यहां से अपने आप बेटा जो आईडी निकल के आएगा, सिर्फ आईडी, वो कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर बटा दो, समझ गए बात को। ये भी याद करना है। तो वलय के द्रव्यमान केंद्र से अगर पास करने पर एक्सिस वलय के लंबवत हो तो एम आर स्क्वायर, और उसके व्यास से पास करें तो एम आर स्क्वायर बटा दो। हर किसी बॉडी में ऐसे ही होता है, जो भी लंबवत होता है व्यास में उसका आधा हो जाता है अगर 2D बॉडी है तो, ठीक बेटा। इसको कॉपी करो, समझ लो अच्छे से, फिर मैं इसी में एक एक्सिस और जोड़ रहा हूँ, ठीक है। पहले इतना वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक और एक्सिस के साथ। तो जो मैं एक और एक्सिस कह रहा हूँ बेटा, वो मैं ये वाला एक्सिस लेना चाह रहा हूँ, ये वाला एक्सिस, समझ गए। एक ये वाला एक्सिस लेना चाह रहा हूँ और एक ये वाला एक्सिस लेना चाह रहा हूँ, ये दो एक्सिस और ऐड करना चाह रहा हूँ। आराम से सुनना, ये दोनों एक्सिस बेटा ऐसे हैं जो एंड से पास कर रहे हैं, सिरे से, लेकिन ये वलय के नतल, वलय के जो तल है उससे लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है, और ये जो वलय का प्लेन है बेटा ये उसी की दिशा के अंदर है, उसी प्लेन के अंदर है, ठीक। तो यहां पे और यहां पर दोनों जगह बेटा हम क्या लगा सकते हैं? समांतर अक्ष थ्योरम। समांतर अक्ष थ्योरम क्या कहती थी? I सेंटर ऑफ मास यानी कि ये वाला प्लस m गुणा ये दूरी का स्क्वायर। ये जो दूरी दे रखी है बेटा, ये दूरी कितनी अपने पास? r। यहां पर भी ये जो दूरी होगी ये कितनी है? r, ठीक है। हम लिख भी देते हैं कि भाई ये दूरी भी कितनी है? r है, और ये दूरी भी कितनी है? r है। तो यहां से बेटा अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर प्लस
एम आर स्क्वायर, समझ गए बात को, यानी इस अक्ष से कितना आएगा 2mr2। और अगर इस अक्ष से चाहिए बेटा, इस अक्ष से चाहिए, तो देखो ये कितना था mr2/2, मैं लिख रहा हूं पूरा mr2/2, ठीक है, mr2/2 प्लस m into r2, समझ गए, इसके अबाउट mr2/2 ये लिखा हुआ भी है यहां पे, प्लस m इंटू दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, समझे। तो यानी एक वलय में देखो कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 चार क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे ही चक्की में, ऐसे ही गोले के अंदर, ऐसे ही प्लेटों में। इसलिए मैंने कहा था कि ये मेमोराइज करने वाला पार्ट है, मैं आपको लिखवा सकता हूं, मैं आपको एक जगह सारे एक्सप्रेशन दे सकता हूं, बट वो याद करना बेटा आप ही का काम है और आप ही को करना ही पड़ेगा, समझे मेरी बात को। तो एक बार इसको अच्छे से चारों एक्सेस को कॉपी करो, क्योंकि फिर चक्की का बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें फट 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 हो जाएगा, ठीक है। और इवन टुकड़ा भी है अगर रिंग का, तो वो भी अपने को पता कैसे करना है, ठीक। तो आराम से इसको कॉपी करो, समझ लो, और फिर ही आगे बढ़ना बेटा, ठीक है। वीडियो पॉज करके समझ लो अच्छे से, फिर ही आगे बढ़ना, ठीक। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। तो देखो बेटा अगले पार्ट में हमने क्या कहा है ना, अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं बेटा हॉलो सिलेंडर, यानी कि खोखला बेलन, ठीक है। खोखले बेलन की अगर बात करेंगे बेटा, तो देखो खोखला बेलन कैसे बनाया जाता है, ये आपने मान लो एक वलय लिया, एक रिंग, वलय को जब खींच दोगे, रिंग ली और उसको खींच दोगे तो क्या बनेगा, खोखला बेलन बनेगा। तो उसका और वलय का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेम। तो उसका एम आर स्क्वायर था बेटा, इसीलिए इसका भी क्या आएगा, एम आर स्क्वायर। इनफैक्ट अगर मुझे बोल भी दिया गया कि भाई इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो इस एक्सिस के अबाउट उसका कितना था 2mr2, तो इसका भी कितना आएगा 2mr2। बोले सर ये तो बहुत आसान, मैं क्या कह ही रहा था, बस थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्रेशन याद ज्यादा करना, ठीक है। चलो इसी तरह से अगर मैंने बेलन को सीधे की जगह ऐसे लिटा दिया और अब पूछा कि बताओ कितना है, इसमें थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। इसमें सबसे पहले तो ये जो लंबाई है ये अपने को दे रखी है एल, और ये जो त्रिज्या है ये दे रखी है अपने को आर, ठीक है। त्रिज्या आर है और लंबाई कितनी है एल, ये अपने को लिखना था। तो एक तो ये छड़ की तरह काम कर रहा है, दिमाग से समझो, थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहा हूं, वरना तो डिराइव करना पड़ता है। ये एक छड़ की तरह काम कर रहा है, और छड़ से जो एक्सिस है वो सेंटर से पास कर रहा है। एक रॉड के सेंटर से पास करने वाला एक्सप्रेशन क्या बताया था, बोले सर ml2/12 बताया था, मैंने कहा सही। तो सबसे पहले तो लिखो ml2/12, यानी रॉड की तरह याद कर लिया, बोले यस सर। दूसरा बेटा थोड़ा दिमाग से देखोगे तो ये एक वलय का डायमेट्रिक, यानी वलय के व्यास से भी तो पास कर रहा है एक तरीके से। ये जो आपका बेलन खोखला है, अगर मैं बस खाली अक्ष के आसपास देखूं तो एक वलय जैसा भी तो बन रहा है। और वलय का डायमीटर या व्यास के बोर्ड क्या बताया था, बोले सर वो तो mr2/2 था, मैंने कहा यस ऐड कर दो, खत्म, समझ गए बात को। तो इस प्रकार से बेटा अपन खोखले बेलन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको कॉपी करो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, अगले पार्ट पे। देखो बेटा अगला पार्ट है चक्ती। अब बहुत फटाफट फटाफट हम करें, चक्ती का इस एक्सिस का कितना आता है बेटा, बोले सर mr2/2, ये तो याद रखना ही है। इसके अलावा अगर इस एक्सिस का चाहिए, हमें पता है क्या लगाना है, समांतर अक्ष थ्योरम। समांतर अक्ष थ्योरम क्या कहता है, जितना भी द्रव्यमान केंद्र से गुजरे, यानी सेंटर ऑफ मास mr2/2 प्लस m इंटू दोनों के बीच की दूरी, बेटा दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है अपने को, r दे रखी है, बोले ठीक है सर परफेक्ट। इसके अलावा व्यास की अगर बात करें, तो जितना द्रव्यमान केंद्र का होता है उसका आधा, तो बेटा mr2/2 का आधा कितना होगा, mr2/4, इसके अबाउट भी पूछेगा तो कितना आएगा, mr2/4, बोले परफेक्ट सर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, इनका बढ़िया। इसके बाद यदि अपने से बोला जाए कि भाई हमें इस अक्ष के अबाउट बताओ, तो इस अक्ष के अबाउट अगर चाहिए तो फिर से क्या लगा देंगे, समांतर अक्ष थ्योरम। बेटा समांतर अक्ष थ्योरम क्या कहती है, I सेंटर ऑफ मास, ये द्रव्यमान केंद्र है ना ये वाला एक्सिस, तो ये कितना आएगा, mr2/4 प्लस प्लस m इंटू कितना बेटा, r2, क्योंकि ये दूरी भी अपने पास कितनी है बेटा, समझ गए। तो मुझे नहीं लग रहा चक्ती में कोई भी दिक्कत आई होगी। अब आराम से वीडियो कॉपी पॉज करो, कॉपी करो, ठीक।
ठीक है। देखो मैंने ना बेटा जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूं फ्रॉम पॉइंट मास टिल द एंड, कोई नहीं छोड़ना आप भी, क्योंकि आएगा तो सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल आएगा, तो याद होगा तो बस टिक लगाने वाला काम है, सीधा चार नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पॉज करके कॉपी करो, मैं अगले पार्ट पे बढ़ता हूं। तो बेटा देखो अगले पार्ट में देखते हैं, अगले पार्ट में हमारे पास है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर समझते हो ना, ठोस बेलन, ठोस बेलन कुछ नहीं सेम चीज। ठोस बेलन कैसे बनेगा, एक चकती ली, एक चकती ली और उस चकती को पकड़ के क्या किया, खींच दिया। मैंने क्या कहा बेटा, अपन ने क्या ले लिया, एक चकती, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे, ऐसे एक चकती जैसे ले ली, ठीक है, और इस चकती को बेटा जब खींच दूंगा ना नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो जब खींचूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एक ठोस बेलन मिल जाएगा, समझे बात को। तो ये ठोस बेलन का कितना आएगा, जितना चकती का आता है, यानी कितना, एम आर स्क्वायर बेटा दो, करेक्ट। अगर उसे ऐसे लिटा दिया फिर पूछा, तो देखो अगर इसकी लंबाई एल और त्रिज्या आर है, सेम जैसे खोखले बेलन का बताया था, यहां पर फर्क कितना आएगा, वही एम एल स्क्वायर बेटा 12, ये तो आएगा ही आएगा, बस इसके अलावा चकती का व्यास, ये देखो ये चकती है, इसका व्यास का कितना बताया था बेटा, एम आर स्क्वायर बेटा 4, क्लियर। तो ऐसे कर सकते हैं बेटा, है ना। अब इसको आराम से कॉपी कर लो, समझ लो, और उसके बाद अगले पार्ट पे चलो, फिर मैं अगले पार्ट पे चलता हूं, ठीक। चलो अब बात कर रहे हैं बेटा खोखला गोला, ठीक है, खोखले गोले की अगर बात करें बेटा, तो ये निकल के आता है 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक। अगर इसी की जगह बेटा मैं लेट से, ठीक, इस एक्सिस की बात करूं, इस एक्सिस की जो इसको जस्ट टच करते हुए जा रहे हैं, तो बेटा इस एक्सिस की अगर बात करेंगे तो ये अपने पास निकलेगा 2/3 एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास वाला, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला, प्लस दोनों के बीच की दूरी अपने पास कितनी है बेटा, आर है, तो प्लस कितना कर देंगे, एम आर स्क्वायर। ये सब जोड़ करके लिख के याद करने ध्यान रखना, जैसे ये वाला आ जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर, इस तरह से। अगर कोई मुझे बोलता है, देखो अब कैसे कंफ्यूज करेगा, इसी में बोलेगा कि सर एक काम करो ना, मुझे इस एक्सिस के अबाउट बता दो कि कितना आएगा। बेटा ये वाला अक्ष और ये वाला अक्ष एक जैसा है, ये 2D है, इसके अंदर आधा नहीं करना होता, ये समान है, एक ही बात है, गोले को ऐसे देखो या ऐसे देखो, सिमेट्री है, इसलिए यहां पर भी अगर लिखना होगा तो कितना आएगा, 2/3 एम आर स्क्वायर, समझ गए। मैंने इनफैक्ट आपको ये भी बताया था, हम ठोस की बात करें, खोले की बात करें, खोखला, हाँ, मैंने आपको इनफैक्ट ये भी बताया था कि जैसे वलय में बताया था, पूरा वलय है तो एम आर स्क्वायर, टुकड़ा है तो भी एम आर स्क्वायर, ऐसे बेटा पूरा गोला है तो 2/3 एम आर स्क्वायर, अगर अर्ध गोला हुआ या उसका एक टुकड़ा हुआ तो भी बेटा व्यास से गुजरने वाले अक्ष पे कितना आएगा, 2/3 एम आर स्क्वायर। इनफैक्ट मैं तो इतना भी कह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ थीटा पे भी दे दिया गया तो भी परेशान नहीं होना, ये सिर्फ आपको डराने के लिए है, तब भी बेटा यहां पे थीटा पे देखोगे तो कितना आएगा, एम आर स्क्वायर 2/3, समझ गए बात को। तो आराम से कॉपी कर लो, ठीक, फिर इसके बाद अपन करेंगे ठोस गोला, ठीक है, आराम से वीडियो पॉज करके पूरा कॉपी कर लो, ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, ना मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा ठोस गोले की, ठोस गोला सॉलिड स्फेयर, बेटा सॉलिड स्फेयर का 2/3 की जगह कितना हो जाता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझसे कोई बोलता है कि सर इस एक्सिस के अबाउट बता दो या इस एक्सिस के अबाउट बता दो, बिना परेशान हुए ये भी कितना, सेम 2/5 एम आर स्क्वायर। इसकी अगर बात कर दी है तो बेटा ये वाला तो लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, इसकी अगर बात कर दें, इसकी तो देखो फिर से क्या लगा देंगे बेटा, समांतर अक्ष, तो 2/5 एम आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से अब तक तो आप बेटा फटाफट फटाफट कर पा रहे होंगे, है ना, तो ये तो अपने को पता ही है 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास, प्लस ये दूरी कितनी है दोनों के बीच की, आर, तो प्लस क्या कर देंगे बेटा, एम आर स्क्वायर, समझ गए, 7/5 एम आर स्क्वायर।
ऐसे बेटा अगर ये दे रखा है, अपने को पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डराने के लिए ये भी कितना 2/5 mr², ये ठोस अर्धगोला है। इनफैक्ट इसकी जगह अगर इस एक्सिस पे भी दे देंगे बेटा तो भी अपन कितना लिखेंगे, सेम 2/5 mr². समझे बात को, क्लियर? तो इसको कॉपी करो अच्छे से, समझो, वीडियो पॉज करके फिर चलेंगे अगले पार्ट पे, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, बस दो तीन चीजें और बची है ना, फिर खत्म करने वाले हैं बेटा। अगर अपने पास कभी कॉम्बिनेशन आ गई बॉडीज की, यानी बॉडीज का अपने पास क्या आ गया बेटा, संयोग आ गया, संयोजन है ना, एक साथ जोड़ दी गई, तो देखो ये क्वेश्चन है, आप ही करोगे इसको, मैं बस आपको बता रहा हूं, ठीक। एम कॉमा एल की तो एक रॉड दे रखी है छड़, इसके अलावा अपने को क्या दे रखे हैं बेटा, दो बिंदु द्रव्यमान जैसे दे रखे हैं ना, बिंदु द्रव्यमान बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना, बिल्कुल एम छोटे छोटे से हैं, आप इनके डायग्राम पे मत जाओ, बस समझाने के लिए बना रखे बड़े बड़े, तो छोटे छोटे दो बिंदु द्रव्यमान है, ठीक है। ऑफकोर्स दूरी की बात करेंगे बेटा, तो ये जो दूरी निकल के आ जाएगी, ये अपने पास कितनी आ जाएगी, एल बटा दो यहां पे और एल बटा दो यहां पर, मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। और आपको बेटा इस अक्ष के अबाउट निकालना है, तो दो बिंदु द्रव्यमान और एक छड़ को एक साथ रख दिया गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूं सोल्यूशन के साथ, तो मेरे हिसाब से बेटा मैं तो एक बार में एक चीज को पकड़ता हूं, तो मैंने कहा अगर छड़ को देखूं तो ये वाला एक्सिस केंद्र से पास कर रहा है, ठीक है, ये कितना बताया था, बोले सर एम एल स्क्वायर बटा 12, मैंने कहा गुड, एम एल स्क्वायर बटा 12। इसके अलावा बेटा ये जो बिंदु द्रव्यमान है ये कितनी कितनी दूरी पे होगा, एल बटा दो एल बटा दो, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एम इंटू, एक काम करते हैं ऊपर लिखते हैं इसको, ये आएगा बेटा एम एल स्क्वायर बटा 12 प्लस एम इंटू एल बाई टू का स्क्वायर इंटू कितना 2, समझ गया बेटा, क्योंकि m दूरी कितनी है, l बटा 2 और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो mr² + mr² + ml² बटा 12, समझ गए। इसी प्रकार से बेटा और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल अपन ने लिया है, वो भी आप पहले ट्राई करोगे फिर सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। तो पहले तो पीडीएफ पॉज करके इसका सोल्यूशन लिख लो और उसके बाद फिर अगले वाले पार्ट पे चला, अगले एग्जांपल को ट्राई करना। तो जो अगला एग्जांपल है ना मैं बता देता हूं, ट्राई कर सकते हो, इसके अंदर तीन बेटा अपने को चकतियां दे रखी है, तीनों की तीनों क्या है, चकतियां हैं, और कितने द्रव्यमान की है, एम, और त्रिज्या कितनी है, आर, ठीक है। और ये एक्सिस दे रखा है अपने को, ये जो एक्सिस है बेटा ये क्या कर रहा है, इन दोनों के तो स्पर्श रेखा की तरह काम कर रहा है, और ये वाली जो चकती है इसके प्लेन से है ना, इसके प्लेन में बिल्कुल द्रव्यमान केंद्र से पास कर, ठीक, मतलब एक चकती ऐसे, एक चकती ऐसे, एक चकती ऐसे, और बिल्कुल बीचों बीच से अक्ष जा रहा है। तो अब आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो और मैं फिर सोल्यूशन लिखता हूं उसका, ठीक है, ट्राई कर लो बेटा वीडियो पॉज करके, पहले का सोल्यूशन लिख लो, दूसरा ट्राई कर लो, फिर इसका सोल्यूशन देखना, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो देखो यहां पर अगर मैं ये आई लिखना चाहूं तो मैं सबसे पहले देखता पहली वाली चकती को, इसे यदि देखता तो इसके व्यास से गुजर रही है, व्यास से, ठीक है, व्यास वाला कितना बताया था, mr² / 4, तो ये आएगा mr² / 4 प्लस ये वाली जो चकती है बेटा, इसके लिए और इसके लिए, ये कहां से गुजर रहा है, बिल्कुल एंड से, समझ गए बात को, मतलब स्पर्शीय है लेकिन उसके जो तल है उसी के अंदर है, मतलब अगर मैं डिस्क को ऐसे रखता हूं तो ये ऐसा है, समझ गए, यानी ये जो डिस्क है इसी के प्लेन के अंदर, लेकिन इसके एकदम एंड से पास करना है, इसको स्पर्श रेखा की तरह चाह रहा है, बोले ठीक है सर। बेटा मैंने इसका आपको लिखवाया था mr² / 4 प्लस mr², यानी 5/4 mr² था, ये आप जब देखोगे चकती वाली स्लाइड तो आपको याद आ जाएगा, आपकी कॉपी में भी लिखा होगा अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो ये बनेगा बेटा 5/4 यानी 5/4 mr², समझ गए। एक का ऐसी कितनी चकती है अपने पास, 2, तो इनटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे,
समझ गए। तो यानी कि एम आर स्क्वायर बटा चार इस वाली का, और इसका आएगा पांच एम आर स्क्वायर बटा चार, क्योंकि उसके लिए हमने क्या किया है, जो चकती है उसके प्लेन में तल में जो भी स्पर्शीय रेखा होगी या स्पर्शीय अक्ष होगा उसके अबाउट वाला फॉर्मूला लिखा है, और वो यही था एम आर स्क्वायर बटा मतलब फाइव एम आर स्क्वायर बटा फोर। समझ गए, मैंने जहां जहां लिखवाया ना प्लस प्लस करके लिखवाया, उसको कैलकुलेट करके और याद रखना है कि हाँ इतना 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 आ रहा है। समझ गए बात को बेटा। तो अब पॉज करके पूरा कॉपी कर लो दोनों सॉल्यूशन, इसके बाद बस एक दो सवाल और बचे हैं फिर कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है, बस एक दो सवाल। तो आप पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। देखो अगला जो एग्जांपल है वो देखते हैं, ठीक है, अगला जो एग्जांपल है आराम से समझता। अगला एग्जांपल बेटा ऐसा है कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का एक तरीके का, सुन लेना। अपने पास मान लो एक क्या दे रखा है, एक अपने पास रॉड दे रखी है एम कॉमा एल, ठीक है बेटा, एम कॉमा एल यहां तक लंबाई एल है, और एक अपने पास बेटा इसके बाद एक चकती दे रखी है डिस्क, ठीक, और ये रॉड से जुड़ी हुई है, समझ गए बात को, रॉड से जुड़ी हुई है, एक सिस्टम दे रखा है। इसका भी मास कितना है एम, और इसका रेडियस या त्रिज्या कितनी है आर, और हमें बोला गया कि बेटा इन दोनों को एक दूसरे जोड़ के रखा हुआ है, जैसे वेल्डिंग नहीं कर देते बिल्कुल एकदम जोड़ दिया, यानी कि ये चकती घूम नहीं सकती, करेक्ट। तो ये एक प्रकार की रॉड छड़ और एक गोला चकती जैसा है, और इसे चलाओगे तो ये पूरा एक साथ ऐसे चलेगा एक साथ, बोले ठीक। यानी कि अगर मुझे इस कोई बिंदु पे अगर कोई अक्ष ले लूं और मुझसे आई पूछा जाए तो मैं आई के बारे में क्या लिखूंगा, मैं आई के बारे में लिखूंगा कि भाई छड़ के तो सिरे से पास कर रहा है एंड से, तो वो तो कितना हो जाता है एम एल स्क्वायर बेटा तीन हो जाता है, प्लस चकती की अगर बात करें तो चकती के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, समांतर अक्ष थ्योरम। समांतर अक्ष थ्योरम यदि लगाएंगे तो बिल्कुल केंद्र से जो पास करेगा ये वाला एक्सिस, ये अपने को पहले से ही पता है कितना है, ये अपने पास है एम आर स्क्वायर बटा दो, और इसके अलावा बेटा समांतर अक्ष थ्योरम के लिए तो अपने को दूरी निकालनी पड़ेगी ना, दूरी कहां से कहां तक, यहां से यहां तक के बीच की दूरी, यानी कि इफेक्टिवली बेटा अपने को ये चाहिए होगा ये, और देखो ये ध्यान से देखोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा एल प्लस आर, क्योंकि यहां से यहां तक छड़ की लंबाई एल और उसके बाद दूरी कितनी है आर, तो यानी कि जब समांतर अक्ष थ्योरम लगाऊंगा तो ये वाला एक्सिस एम आर स्क्वायर बटा दो प्लस एम इंटू ये दूरी, क्योंकि अपने को इस अक्ष से चाहिए, समझ गए, इस अक्ष से, तो इस अक्ष के लिए ये वाला अक्ष प्लस ये दूरी का स्क्वायर गुणा एम, तो ये वाला एक्स एम आर स्क्वायर बटा दो लिख दिया। आगे देखो अलग कलर्स के, तो प्लस एम एल प्लस आर का स्क्वायर, समझ गए। तो अगर एक छड़ और एक चकती को जोड़ दिया जाए, ठीक है, और फिर उसको चलाया जाए, फिर उसका अगर आई पूछेगा तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो छड़ का लिख दिया एम एल स्क्वायर बटा तीन, इस चकती का इस अक्ष के अबाउट लगाने के लिए समांतर अक्ष थ्योरम, तो पहले इसका खुद का निकाला यहां पे कितना एम आर स्क्वायर बटा दो प्लस एम गुणा ये दूरी का स्क्वायर, और ये दूरी कितनी थी बेटा एल प्लस आर, ये दूरी, ठीक है, क्लियर। एक बार इसको कॉपी करो फिर उसके बाद अगला एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है, इसको कॉपी करो, मुझे पता है इस लेक्चर में लिखने का बहुत है, पर बेटा देखो ये कह रहे हैं ये क्वेश्चंस बिखरे हुए हैं किताबों में अलग अलग जगह अलग अलग बुक्स में, मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे जड़त्व आघूर्ण के सारे उठा के एक जगह ले आया, समझ गए, इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है, तो वो आपके काफी काम आएगा, सीधा देखते टिक करना है बस, राइट। तो पॉज करके कॉपी करो, मैं बढ़ता हूं अगले पार्ट पे। देखो बेटा अगला पार्ट में क्या अंतर है, सेम डायग्राम दिख रहा होगा आपको, मैंने खाली इतना सा अंतर किया है कि अब की बार ये चकती ऐसे घूम सकती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो मेले वगैरह में मिलता था ना, पहले पिक्चरों में दिखाते हैं एक वो क्या बोलते हैं उसको, पंखे जैसा होता है, तो एक रॉड होती है ऊपर एक पंखा चलता है, फिर भागते हैं तो पंखा घूमता है, तो ये उस प्रकार का सिस्टम है कि जब इस छड़ को चलाओगे तो जो पंखा इस पे लगा हुआ है पंखा घूम सकता है ऐसे 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 बेटा, जैसे ये गिवन हो कि पंखा घूम सकता है मतलब ये कोई प्रतिरोध नहीं करेगा, तो मतलब अगर इसको देखें तो इसके खुद की आकृति के कारण कोई प्रतिरोध नहीं आएगा, इसलिए ऐसे केस में सारा का सारा द्रव्यमान जो है वो आप कहां पे मान सकते हो, उसके केंद्र पे मान सकते हो। ऐसा करते ही बेटा जो ये आई निकल के आएगा छड़ का, तो वही आएगा एम एल स्क्वायर बटा तीन प्लस,
ये जो बेटा चकती थी इसको अब हम क्या मानेंगे, बिंदु द्रव्यमान मानेंगे, क्योंकि घूम जा रहा है, कोई प्रतिरोध नहीं दिखा रहा, तो इसलिए बिंदु द्रव्यमान का तो हमें पता ही है, सीधे सीधे क्या लिखते हैं, एम इंटू एल प्लस आर का स्क्वायर। समझ गए, कुल मिला के बेटा मोटा मोटा ये जो चकती का खुद का था एम आर स्क्वायर बेटा दो, वो गायब हो जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये आ चुका है जे एडवांस के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी अगर रॉड और उससे हमने क्या लगा दी, एक एक्सेस मतलब चकती, ठीक है, तो अगर दोनों ऐसे चल रहे हैं मतलब ये चकती घूम नहीं सकती, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो फिर ये आएगा, पर अगर घूम सकती है तो फिर ये आएगा। समझ गए बात को, आराम से वीडियो को पॉज करके पूरा कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो, बस इसके बाद लास्ट एक पॉइंट बचा है फिर लेक्चर खत्म कर, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म है बेटा, पूरा जड़त्व आघूर्ण जितने भी जगह किताबों में जहाँ जहाँ सवाल थे सब एक जगह दे दिए आपको। समझ गए मेरी बात को, तो एक बार पॉज करके कॉपी कर लो इसको और फिर आखिरी पार्ट मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये आ गया बेटा लास्ट पार्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है बेटा घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या, इसको हम किससे डिनोट कर दे रहे बेटा, एक्स से डिनोट कर दे रहे, ठीक है, मैं एक्स से डिनोट कर दे रहा हूं। तो अगर कोई बोलता है घूर्णन त्रिज्या का क्या मतलब होता है, मैं समझाता हूं, आप ऐसे समझो कि अगर मैं कोई वस्तु लूं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण कितना हो, आई हो, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं समझा रहा हूं होती क्या घूर्णन त्रिज्या, मैं कह रहा हूं ये वस्तु हटा दो और ये वस्तु की जगह आप क्या करो, इस वस्तु की जगह वही अक्ष ले लो और एक बिंदु द्रव्यमान ले लो, सेम द्रव्यमान, यानी इस वस्तु का द्रव्यमान एम है तो पूरा का पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पे रख दो, एक बिंदु पे, और उस बिंदु की बेटा दूरी देखो तो वो एक्स है, तो बेटा ये जो आई आना चाहिए ये कितना आएगा, एम एक्स स्क्वायर, और वस्तु का कितना था, आई, दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि वस्तु का पूरा द्रव्यमान कितनी दूरी पे रख दिया जाए कि उसका जड़त्व आघूर्ण समान आए, उस दूरी को कह देते हैं घूर्णन त्रिज्या। इसीलिए बेटा जब बराबर करते हैं तो यहां से हम लिखते हैं एम एक्स स्क्वायर बराबर आई, और यहां से मैं लिख देता हूं एक्स बराबर रूट आई बटा एम। समझ गए बात को, रूट आई बटा एम, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो भी घूर्णन त्रिज्या आएगी वो हमेशा रूट आई बटा एम आएगी। आई मैंने आपको हर पॉसिबल क्वेश्चन के लिए लिखना सिखा दिया, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे घूर्णन त्रिज्या पूछी जाएगी आपको सिर्फ रूट आई बाय एम। हाँ ये ध्यान रखना बेटा एम का मतलब टोटल मास होता है, कई बार सिस्टम ऑफ मासेस जब आते हैं एक से ज्यादा द्रव्यमान तो बच्चे भावनाओं में बह के जल्दबाजी में एम लिख देते हैं, एम नहीं, अगर मान लो एम एम की चार गेंदे हैं तो 4m टोटल द्रव्यमान लिखना पड़ेगा। बोले ठीक है सर परफेक्ट। मैंने कहा चाहो तो इसका एग्जांपल भी, जैसे ये ठोस गोला नहीं है तो अगर कोई ठोस गोले की पूछेगा इस अक्ष के अबाउट तो हम क्या लिखेंगे, रूट आई बाय एम। आई कितना होता है बेटा ठोस गोले का, 2/5 एम आर स्क्वायर बटा क्या करेंगे एम, एम से एम कटेगा ये कितना निकल के आएगा, रूट 2/5 आर, ठीक है, रूट 2/5 ही है, अरे यार क्या मिल गया, रूट 2/5। दोबारा लिखता हूं साफ साफ, रूट, ठीक है, आर बाहर निकाल दिया, तो इस तरह से है ना, कुछ भी नहीं था, आई पता था 2/5 एम आर स्क्वायर, एम से डिवाइड किया रूट लगा दिया, घूर्णन त्रिज्या। समझ गए, तो बेटा विद दिस अब हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट है, आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पूरा कॉपी करना। और बेटा देखो अब मैंने आपको ना घूर्णन गतिकी के दो पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट जो कि छोटा था, अपन ने जड़त्व आघूर्ण पूरा कर लिया है करेक्ट, और इसको यूज करेंगे आगे। तो अब जो अगला पार्ट अपन चालू करेंगे ना वो करेंगे टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण की बात करेंगे, और वहां पे ये आई बहुत ज्यादा काम आएगा। आई पे डायरेक्ट सवाल भी आते हैं, इनडायरेक्ट भी यूज होगा, इनडायरेक्ट तो जो बेसिक होता है वो तो आता ही है, डायरेक्ट सवाल भी मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूं कि जो मैंने दे दिया ना इससे बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो आपको जितने एक्सप्रेशन मैंने लिखवाए हैं आप उनको बस याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना थोड़ा तरीके से समझ के कि किस अक्ष के अबाउट क्या आई लिखा था। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन डायग्राम्स में किए हैं, आप उस अक्ष को लिख लेना कि भाई ये द्रव्यमान केंद्र से पास करना चाहिए, वस्तु के तल के लंबवत होना चाहिए, वस्तु के सिरे से पास करता है उसके तल के लंबवत है, या वो वस्तु के व्यास से पास कर रहा है ना, या उसके स्पर्शीय रेखा है जो कि तल में है, तो इस प्रकार से आप लिख लेना ताकि आप भूलो नहीं और गलत फॉर्मूला ना लगाओ गलत जगह पे।
समझ गए मेरी बात को? सो इतना करना है अच्छे से, एंड आई एम श्योर बेटा ये लेक्चर आपके काम आया होगा. इफ इट इज यूजफुल गुड, नहीं दो बार तीन बार देखो, समझो, याद करना है. ये यूनिट टफ भले ही लोग कहते हो, हमें इसे आसान बनाना है. ठीक है, सो विद दिस हम अगली क्लास में मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, पार्ट 3 के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी हार्ड, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, स्टे सेफ.